अपना ईगो हर्ट होता है तो अपने आप को बोलो कि आज मेरी हस्ती क्या है। सपोज कोई पूछे काई बात का ईगो है अपने को, बताओ एनीबडी? हाँ मेरे बैक बेंचर्स मेरे फेवरेट होते हैं वो। लेकिन आपको एक बताऊं, टीचर का जितना ध्यान फर्स्ट बेंच पे और सेकंड बेंच पे होता है ना, उससे ज्यादा ध्यान लास्ट में होता है, क्योंकि जो भी होता है वो पीछे ही होता है। ये तो बेचारे चुपचाप बैठे हैं, बोले सामने ही बैठे कुछ कर भी नहीं सकते मस्ती। तो आप बताओ कोई भी एक व्यक्ति, हमको काई बात की ईगो है? एनीबडी? आपके हाथ में माइक है ना, आप ही बता दो। सर आई डोंट फील दैट अ पर्सन शुड हैव ईगो फॉर एनीथिंग। नहीं, एवरीबडी फील्स दैट यू शुड नॉट हैव, बट एवरीबडी हैज एन ईगो। एम आई राइट? शी इज वेरी राइट कि वी शुड नॉट हैव एन ईगो, बट हर व्यक्ति को ईगो रहता है। जरा सी बात पे मेरे को झुकना पड़े अगर, तो वो भैया ने बताया ना, मैं नहीं झुक सकता, मेरा ईगो हर्ट करता है। क्या ईगो होता है? मैं झुक जाऊं, आई जो है था ना, आई आई, आप लोग इंग्लिश में लिखते हैं आई कैसे लिखते हैं? हाँ जी टीचर लोग, एक डंडा ऐसे, एक डंडा ऐसे और एक डंडा ऐसे। लेकिन मजे की बात बताऊं, हाँ चाहे कहीं भी लिखो आई, वो कैपिटल ही लिखोगे। क्यों? आई अकेला नहीं है, ए भी तो अकेला है, उसको क्यों छोटा लिखते हैं? आई इसलिए बड़ा लिखते हैं कि इट सिग्निफाइज माई ईगो, आई उसलिए कैपिटल लिखा जाता है। लेकिन मजे की बात बताऊं, आज के दिन में आपका ईगो है तो कोई टेंशन नहीं। आज तक सबको बोला होगा ना, ईगो नहीं, ईगो नहीं, ईगो नहीं, चलो छोड़ो, हमारे ब्रज में सब उल्टा सुलटा चलता है। ईगो है ना? बोले हाँ जी है, चलो कोई बात नहीं, है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन क्या करो, ये आई खड़ा है, ये ऐसे है ना, ऐसे ये आई है बराबर। अब उसको केवल एक काम करो, आई को एक उधर ले जाओ, क्लिफ पे, क्लिफ समझते ना, या रिवर पे ले जाओ, एक बैंक पे उसको खड़ा करो और उसको झुका दो। समझ गए ना? ये एक बैंक है, ये दूसरा बैंक है रिवर का, यहां आपका आई खड़ा है, ईगो खड़ा है, उसको आप झुका दो। ये है ये, और बीच में ये, जब गाड़ी चलाते ना तो ब्रिज की साइन आती है, मालूम है ना, वन दिस एंड दिस, उसको लेटा हुआ आए। ईगो है अभी कोई प्रॉब्लम नहीं। बोले लोगों इसके तो बहुत बड़ा ईगो है, तो ये बड़ी रिवर पार कर जाएगा, कोई चिंता मत करो, केवल उस आई को झुकाना है। अगर वो आई लेट गया, झुक गया, तो यहां से वहां जाने के लिए हमको ब्रिज बन जाएगा। नॉर्मल पर्सन से एक्यूरेटली बिहेव्ड पर्सन तक जाने का मेरा ब्रिज बन जाएगा। एवरीथिंग दैट वी हैव कैन बी यूज्ड फॉर अ प्रॉपर पर्पज इफ इफ वी अप्लाई एंड यूज इट फॉर प्रॉपरली। कोई भी चीज खराब नहीं है, कोई भी सिचुएशन खराब नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम ऐसा नहीं है जिसका सोल्यूशन ना हो। केवल हमको एप्लीकेशन करके अपने जीवन में उसको ऐसे यूज करना है कि वो मेरे काम का हो जाए, बस। देन अवर जॉब इज इजिली डन। तो हमको यह देखना है, ईगो है? मैं गारंटी देता हूं, झुक के देखो, कोई शर्म की बात नहीं है। और मैं ये भी गारंटी देता हूं, जो झुकेगा ना आगे चल के वही कुछ बनेगा। क्योंकि जब बहुत बड़े बड़े स्टॉर्म्स आते हैं ना,
180 किलोमीटर 160 किलोमीटर आप देखते होंगे ना टीवी पे, आप लोग तो सब वेल कनेक्टेड है तो कोई क्वेश्चन नहीं है। तो जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं ना, वेरी स्ट्रांग खड़े हैं ऐसे, बड़े बड़े पेड़ उखड़ के गिर जाते हैं, गिरते के नहीं, लेकिन एक घास है वो तो बेचारा हवा आएगी इधर झुक गया, हवा आएगी इधर झुक गया, हवा आएगी इधर झुक गया, उसको तो कुछ नहीं होता, हवा चली जाती है वापस वैसे का वैसे हो जाता है। तो झुकने में फायदा है कि अकड़ रहने में फायदा है, है ना? अरे अकड़ना तो मुर्दों की पहचान है, और झुकना जो है ना वो जिंदों की शान है। झुकोगे अकड़ा हुआ तो जो मुर्दा पड़ा रहता है ना वो अकड़ा हुआ रहता है। हमारे आप में काय की अकड़ है? इट इज नॉट दैट यू विल बी लाफ्ड एट, यू विल बी द वन पर्सन हु विल बी मोस्ट रिस्पेक्टेड नाउ एंड इन फ्यूचर। क्यों? बिकॉज तुम्हारे पीछे तुमने जिससे पावर मांगी ना उसकी पावर साथ में लग जाती है। 1+1 11 हो जाता है, लेकिन 1+∞ कितना हो जाएगा भाई? घास को कोई हरा नहीं सका, कितना ही वो आ गया, स्ट्रॉम चला गया, वो तो वैसे के वैसे। इसमें कोई देर इज नथिंग रॉन्ग इन इट। आज आप लोग को लगेगा हाँ स्वामी जी आप लोग को क्या है, आके देखो कॉलेज में फिर पता चले। तो साहब ये सुन लो, हम उसी बोट से बाहर आए। आज जहां आप हो हम वहां रह के देख लिए, लेकिन ये मेरी गारंटी है कि अगर हम ये कर सके जीवन में ला सके तो वो जो सामने वाला व्यक्ति है वो जिंदगी भर याद रखेगा, मैंने उससे इतना झगड़ा किया था उस दिन, मैंने उसको क्या क्या नहीं बोला, और नेक्स्ट डे शी यू दैट पर्सन जस्ट केम एंड सेड ओके फाइन चलो फॉरगेट यार चलना होते रहता है, वो याद रखेगा कि नहीं? तो आपकी रिस्पेक्ट बढ़ेगी कि कम होगी? बात खत्म, अपना काम हो गया। तो अगर गलती हो जाए कोई बात नहीं, माफी मांगो, रिजॉल्व करो मैं वापिस नहीं करूंगा, और हो सके तो उस व्यक्ति से भी जाके जता दो कि मैंने नहीं रखा, अब तू भी मत रख, दिमाग में से छोड़ आगे चल।